शुक्रवार को कुम्हारी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में उरला गांव के रहने वाली नवी की छात्रा खुशी साहू की मौत हो गई थी। खुशी की मौत के बाद उरला गांव के ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों ने सुबह 11:30 बजे से रात 9 बजे तक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। रात 9 बजे अफसरों की समझाइश के बाद कई विषयों पर बात हुई, वहीं पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती, फिर चक्का जाम समाप्त हुआ। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर रात में गांव में आकर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है। चक्का जाम की वजह से लंबा जाम लगा रहा, कुम्हारी से रायपुर तक जाम की स्थिति रही। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव मौके पर पहुंचे, उनके साथ फोर्स भी पहुंची थी। SP डॉक्टर पल्लव के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी ग्राउंड में डटे रहे। आक्रोशित ग्रामीणों को काफी मनाने की कोशिश की गई, रात 9 बजे समझाइश दी गई, कई विषयों पर बातें हुई, फिर ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि चक्का जाम के बाद पुलिस ने गांव में घुसकर लाठीचार्ज किया है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं। इस लाठीचार्ज से उरला के पार्षद ईश्वर साहू और पूर्व वार्ड अध्यक्ष गिरवर साहू घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ईश्वर और गिरवर का उपचार चल रहा है। बता दें कि इसी उरला गांव से सांसद विजय बघेल भी आते हैं, यह उनका गृह ग्राम है। ले पार्षद कैसे है भाई पार्षद ले आमी ते ई हर केनवा पानी बक मत अभी वीडियो बहुत बहुत भाई पार्षद मार दे तो वीडियो थी अभी ना अपन पास इसका मतलब पूरा वीडियो क्लियर मारे पीटे देखा पार्षद बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।